दोस्तों यार OnePlus लेके आ गया अपने ब्रांड न्यू स्मार्टफोन OnePlus 6T को। अगर आप OnePlus 6 को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या आपको OnePlus 6 को अपग्रेड करना चाहिए OnePlus 6T में? अगर आप अपग्रेड करोगे तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? आपको क्या ऐसा सारी चीज मिल जाएगा जो कि OnePlus 6 में आपको देखने को नहीं मिलता था, वही आपको OnePlus 6T में देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं कवर करूंगा जो कि है OnePlus 6 और OnePlus 6T के एक स्पेसिफिकेशन वाइज कंपैरिजन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंग एसके को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार दिल से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो छोटा वाला नोटिफिकेशन बेल है उसको भी लाजमी से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेन पार्ट होता है फ़ोन का, उसका लुक्स। अगर हमको फ़ोन का लुक्स अच्छा नहीं लगेगा तो फ़ोन के स्पेसिफिकेशन गए बाहर में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे फोन, दोनों ही फोन के लुक्स के ऊपर। दोस्तों OnePlus 6 और OnePlus 6T का जो लुक्स है वो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बैक पैनल पे देखोगे तो दोनों ही फोन आपको वही फोन देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको 6T में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 6T में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, वही आपको OnePlus 6 में आपको मिलता है बैक पैनल पे, रियर पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब आते हैं फोन की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। तो दोस्तों OnePlus 6 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे डिस्प्ले पे। तो दोस्तों OnePlus 6 में आपको मिलता है 6.28 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला ऑप्टिक एमोलेड स्क्रीन, और साथ में आपको 19:9 एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, और प्रोटेक्शन के लिए इसमें आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 का इस्तेमाल किया गया है OnePlus 6 के अंदर। वही अगर बात करें OnePlus 6T के बारे में तो इसमें आपको मिलता है 6.41 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला ऑप्टिक एमोलेड स्क्रीन, जिसके अंदर आपको मिलता है 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो, और साथ में आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि OnePlus 6 इसका सक्सेसर नहीं है, 6T इसका सक्सेसर नहीं है, अपग्रेड वर्जन है, तो थोड़ा आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा डिस्प्ले के अंदर। रेजोल्यूशन सेम है लेकिन आपको कोनिंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोडक्शन मिल रहा है, और साथ में आपको स्क्रीन भी थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको ज्यादा बड़ा देखने को मिल जाएगा 6T के अंदर। अब बात करें स्टोरेज की, तो दोनों ही फोन में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है, जो OnePlus 6 के अंदर 6GB रैम के साथ 64GB, 8GB रैम के साथ 128GB और 8GB रैम के साथ 256GB वाला वेरिएंट देखने को मिलता था। वही आपको 6T में आपको 6GB रैम के साथ 128GB और 8GB रैम के साथ 128GB और 8GB रैम के साथ 256GB। दोनों ही फोन में मेमोरी कार्ड डालने का कोई भी ऑप्शन नहीं है, दोनों ही हाइब्रिड सिम स्लॉट है। अब आते हैं इसकी कैमरे के ऊपर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली बता देता हूं, आपको कैमरे में कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम कैमरा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फोन में आपको 16+20 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सेंसर मिलता है f1.7 एपरेचर के साथ, और साथ में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि f2.0 एपरेचर के साथ। हालांकि 6T में आपको सॉफ्टवेयर वाइज कुछ इंप्रूव देखने को मिल जाएगा जो कि है स्टूडियो लाइट, नाइट मोड वगैरह, आपको थोड़ा सा फीचर्स इसमें ऐड किया गया है। तो अब आते हैं इसकी सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो दोस्तों दोनों ही फोन के अंदर आपको ऑक्सीजन ओएस का लेयरिंग मिल जाएगा, और दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। हालांकि OnePlus 6 एंड्रॉयड ओरियो के अंदर आया था, लेकिन OnePlus 6 को भी अपग्रेड कर दिया गया है वो एंड्रॉयड पाई से। तो अब आते हैं इसकी प्रोसेसर के ऊपर। तो दोस्तों दोनों ही फोन में आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 वाला चिपसेट। हालांकि उम्मीद ये किया जा रहा था कि इसमें आप 6T में आपको मिलेगा 855 वाला चिपसेट, तो काफ़ी अच्छी बात होता है, ये वीडियो बनाने की नौबत नहीं आती कि 855 वाला चिपसेट लेके OnePlus 6T इंटर कर लिया है, तो ये वीडियो बनाने के शायद हमें नौबत ही नहीं आती। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आपको सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। अब आता है इसकी बैटरी पे। तो दोस्तों OnePlus 6 में आपको देखने को मिलता था 3300 mAh की बैटरी, वही आपको 6T में आपको मिलता है 3700 mAh की बैटरी। हालांकि दोनों ही फ़ोन में आपको डैश चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, हालांकि इसको बोलता है क्विक चार्ज, तो OnePlus इसको बोलता है डैश चार्जिंग, तो डिफरेंस आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा 6T के अंदर। अगर आपका OnePlus 6 दो घंटा चलता था, मान लीजिए दो घंटा चल रहा है, तो 6T 2.5 घंटा चलेगा, क्योंकि इसमें आपको 400 mAh बैटरी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है पूरा कॉम्प्लीट पैकेज OnePlus 6 और OnePlus 6T की। तो अब आते हैं इसकी प्राइसिंग के ऊपर। तो दोस्तों जो बेस वेरिएंट है OnePlus 6T का, वो स्टार्टिंग प्राइस है करीब 38,000 रुपया, 38, 42 और 46,000 रुपया।
तो वही आपको वन प्लस सिक्स मिलता है कई सारे ऑफर्स के साथ, आपको 29,000 से लेकर आपको 35,000 38,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हो तो आपको नहीं वन प्लस 60 में जो कमी है, एक तो आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं मिलेगा जो कि आपको वन प्लस 6 में देखने को मिल जाता है, वही आपको वाटर डस्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, वही आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको अगर आप वन प्लस 60 को परचेस करना चाहते हो तो आप थोड़ा वेट कीजिए, अगर आप वन प्लस का ही फ़ोन परचेस करना तो थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि वन प्लस के इवेंट में जो जब 60 लॉन्च हो रहा है तो वन प्लस के सीईओ ने इस बात को कॉन्फर्म किया है कि आने वाले स्मार्टफोन में, मतलब कि वन प्लस के स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट होगा। तो आप बिना पैसे वेस्ट मत कीजिए, आप वेट कीजिए वन प्लस के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के लिए। अगर आपके पास वन प्लस 6 भी है तो उससे काम चला लीजिए, क्योंकि आपको मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। एक है इसका मेन घुमा फिरा के एक बात क्लियर है कि इसका जो वाटर ड्रॉप नॉच है वो एक है, और इसमें आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स का, हालांकि थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा क्या बैटरी थोड़ी सी 3300 mAh की बैटरी और 3700 mAh की बैटरी, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप इतना पैसा वेस्ट क्यों करोगी। तो इसकी इसी प्राइस रेंज के अंदर मार्केट में और भी सारा ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप चाहे तो कोई दूसरा फ़ोन भी देख सकते हो। तो दोस्तों मेरा तो अपना था ये ओपिनियन, आप क्या सोचते हो ये वन प्लस 60 को लेकर, प्लीज़ नीचे बताना ज़रूर कमेंट में। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और अगर कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल बिंगस के को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं रोज़ाना ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आता ही रहता हूँ। मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।